सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम अभी नाश्ता कर रहे हैं। देख लो अभी नाश्ता लेके आए, दूध है, नमकीन है और ये बिस्किट है और अभी हम नाश्ता कर लेते हैं। उसको भी खिलाओ भैया, खाएगा कह रहे छोटू क्यों देख बिस्किट ले 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 एक एक ले ले बस ले सो गाइस टाइम अभी हो चुका है 2:52 यानी 3 बज चुके हैं और अभी हम खाना पीना करेंगे और ये हम बैनर लगा रहे हैं। इसको पकड़ सही से, ये देख पकड़ इसको सीधा कर, ये बैनर लगा रहे हैं तो ये पाइप थोड़ा बड़ा रह गया तो इसको अभी हम पाइप को काट रहे हैं, थोड़ा काट के फिर इसमें सेट करेंगे। सो गाइस जिसको भी चिपका दिया, ये फोटो है जो संतरामपाल जी महाराज की और इसको जो पाइप बड़े थे वो थोड़ा छोटा करके इसमें चिपका दिया और ये फाइनल हो चुका है। सो गाइस अभी खाना पीना खाएंगे और टाइम भी बहुत हो गया, सुबह नाश्ता किया था, अभी थोड़ी भूख भी लगी है। हम इसका वेट कर रहे हैं कितनी देर में तैयार हो जाएगा। सॉरी भाई सॉरी जल्दी कर भाई थोड़ा धूप है ना, सही है, बहुत ज़्यादा धूप है भाई यहाँ। सो गाइज हमारा खाना आ चुका है और अभी हम खाना खाएंगे। गाइज ये लोग हैं, कोई दोस्त तो अपने दोस्त को मोटिवेट करता है, ये मेरे को डीमोटिवेट कर रहे हैं कि तू ब्लॉग व्लॉग सब छोड़ दे। अब आप कमेंट करके बताओ मैं क्या करूँ, क्या मुझे करना चाहिए, ये सब ख़त्म है। एक ये रहा, एक वो उधर है, अभी वो तो अंदर चला गया, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। मैं ही चलता हूँ उसके पास, चल तू भी चल उसके पास, ये मज़े ले रहे मेरे। क्या मतलब, एक वीडियो डाला था मैंने एक वीडियो डाल, तो हलवाई है हलवाई मेरे भाई, जितनी चाहे पूरी मिलवा ले। गाइस टाइम अभी 4 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं मेरी झोल में, अभी कुछ तैयारी करनी है यहाँ पे। तो ये सामने मेरी झोल है और ये टेंट यहाँ पे लग चुका है, तो यहाँ पे कल 11 बजे से प्रोग्राम है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सो गाइज ये इधर टेंट लग रहा है शादी का और यहाँ पे भी तैयारी चालू है और ये ऐसा कुछ गार्डन है ये, तो यहाँ पे भी पानी के कैन वगैरह लगे हैं सारे। क्या लेकर आना? सिलेंडर लाना था, सिलेंडर लाना, रिश्तेदार वगैरह आएंगे तो वो भी वहीं सोएंगे। सो आज का प्रोग्राम वही है सारा। तो गाइस सिलेंडर ले आए हैं और ये देखो मेरा हाल, ये देखो क्या हाल हो गया। और ये इधर बाबू देखो क्या कर रहा है, क्या ये क्या कर रहा है, ओए ना ना गंदा दर्द मत कर। इधर से किधर, बाबू इसकी पूछी ले, पूछी ले बाबू, पूछी ले मुरनी गंदा है। हाँ गाइस अभी देखो ये फूल वगैरह लगा रहे हैं और ये मेन स्टेज है, तो यहाँ पे जो लड़का लड़की हैं वो बैठेंगे और
एकदम सिंपल तरीके से शादी हो गई है, ना दहेज लिया जाएगा ना दिया जाएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। ये एक रूम है और इसमें भी गद्दे वगैरह सभी रखे हैं। ये देखो रजाई वगैरह भी लेके आए हैं जो, और यहाँ पे जो रिलेटिव आएंगे उनके लिए। तो ये देखिए, ये है रतनगढ़ जो कि चुरू ज़िले का एक हिस्सा है। ये यहाँ का ब्लॉक है चुरू ज़िले का। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी पतंगें उड़ाई जा रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। क्योंकि मकर संक्रांति का, लोहड़ी का जो पर्व होता है वो आने वाला है जल्दी ही, इस वजह से यहाँ पे पतंगें अभी से उड़ानी शुरू कर रखी हैं। देख सकते हैं आप नीले आसमान में छोटी छोटी पतंगें आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से उड़ती हुई दिखाई दे रही होंगी। ओके, तो प्रमोद का जो ये चैनल है इस पे हमारा प्रमोद भाई वर्क करता है और काफ़ी अच्छे से आपको प्रत्येक जानकारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करता है। और कल यहाँ पर हमारी बहन की दहेज मुक्त शादी होने वाली है, इस वजह से यहाँ पे टेंट वगैरह सब का अरेंजमेंट अभी हम यहाँ देखने के लिए आए थे। और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पतंग उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रीनरी पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है सर्दी के कारण। चुरू की सर्दी पूरे भारतवर्ष में जानी जाती है, इस वजह से यहाँ पे जो ये घास लगी होती है वो भी जल गई है बहुत अधिक सर्दी के कारण। तो ये फाइनली हम पहुँच चुके हैं मैरिज हॉल में और अभी साफ सफाई यहाँ पे करी गई थी। अभी हम छत पे हैं मैं और प्रमोद भाई। गाइस ये पतंग आई है कट के और इसके पीछे धागा भी है, देखो कितना है। सो मैं इस धागे को तो यहीं काट देता हूँ। ना ना कट जाएगा बाबू हाथ, ना ना बेटा आजा, तू आजा बाहर आ, वो बच्चे हैं बाहर दो, अभी लड़ेंगे देखना वो किसके। अरे चुप चुप चुप। बता पहले किसकी है। भैया मेरे नीचे दे, भैया नीचे दे, भैया मत दे, नीचे दे, भैया नहीं। बता किसकी है पहले, सही बता, रुक जा रुक जा, सही बता किसकी है, सही बता, सही बता, सही भैया तो देखो ना, मैंने देखो मार दे थी। ओ छोटू किसकी है बता, मेरे तेरे देख, मैंने नीचे दे भैया, ले छोड़ छोड़, फट जाएगी फट जाएगी। अरे ना ना ये देखो कैसे लड़ रहे हैं पतंग के लिए। पहले खड़ा हो इधर, हो पहले खड़ा हो इधर, हाँ खड़ा हो, वहाँ अब सही बता किसकी है, सही मम्मी कसम मेरी है, पहले सही बता किसकी है, झूठ बोल रहा है झूठ। पहले बता सही, पहले बता सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है। अरे लड़ाई मत करो, लड़ाई मत, सुन सुन, अब की बार छोटू आएगी ना तो अब की बार तेरे को दूंगा मैं, ठीक। नहीं अब की बार आएगी तो मैं तेरे को दूंगा। छोटू बाबू बता किसको दे, किसको दे, इसको दे। अरे यार बाबू सही बता किसको दे, इसको दे। वो आ गई एक, बाबू वो दे दू तेरे को मैं, ये वो दे देता हूँ तेरे को, एक और आ गई। इसका क्या करूँ बताओ यार, कोई तो भैया ले, मैं किसी को नहीं दे रहा तुमसे, अब ठीक है, अब ठीक है ना, मैं नहीं दे रहा, ना ना मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा, ना ना मैं दे ही नहीं रहा ना, मैं जा रहा हूँ वापस, ठीक है, नहीं नहीं आपको भी नहीं दूंगा, इसको भी नहीं दूंगा, क्या
क्या गेट तोड़ देगा, गेट इतनी ताकत है गेट तोड़ देगा। पहले चल गेट तोड़, पहले गेट तोड़, गेट तोड़, गेट तोड़ के दिखा पहले छोटू, गेट तोड़, गेट तोड़। मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा, तुम दोनों लड़ रहे हो ना, मैं नहीं दे रहा किसी को भी, ना ना मैं किसी को नहीं दे रहा, जा रहा हूँ मैं। आजा बाबू इधर, इधर आजा, आजा, हाँ ये ले, बाबू को दे रहा हूँ मैं बाबू को, बस बाबू को दे दिया, फाड़ रहा मत बेटा, इधर चल, इधर आ सर, हाँ जा जा जा, लड़ रहा था ना ज़्यादा, ज़्यादा लड़ रहा था ना, अब जा, हाँ घर जा। एक और, एक और आइए वो दे दूँ, तो अंगुली तो छोड़ दे बेटा, अंगुली छोड़ दे, अरे अंगुली छोड़, छोड़ दे, वो ही चाहिए, वो नहीं दे रहा मैं, उड़ाओगा तागा कहाँ तेरे पास, तागा कहाँ तेरे पास, तागा है कहाँ पे, हाँ ये सिस्टर है क्या तेरी, चक्री में है, ये बहन है क्या तेरी, तो कौन है, अंगुली छोड़ दे बेटा मेरी, नहीं। अंगुली छोड़, बाबू इधर ले आ बेटा, इधर ले आ जा, अरे यार एक और है वो दे देता हूँ मैं, तो और आ जाएगी ना, देख कितनी उड़ रही है, नीचे पड़ेगी तो मैं दे दूंगा, अरे फाड़ने अरे फाड़ने 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 दे दे, कैसे कर रहा है देख, इसकी शक्ल देख एक बार, देख सर दिल्ली का है, बताओ ये दिल्ली का रे, तू दिल्ली में कहाँ से बता, अ छोटू भैया दिल्ली में कहाँ, देख एक और आ गई, वो देख उधर आ गई एक और, वो ले आऊँ तेरे लिए, दो है वो दे दूँ तेरे को, ये दे दूँ इसको, ले छोटू इधर ले, अरे बाबू दे दे मेरे, ये बाबू ही नहीं दे रहा, वो आ रहा हूँ वापस, बाबू बाबू लेके आता हूँ, आजा कट जाएगा बेटा, हाथ कट जाएगा, इधर दे दे, हाथ कट जाएगा तेरा, मैं और दूंगा तेरे को, इधर दे, इधर दे दो, ये देखो गाइस वहाँ पे बच्चे खड़े हैं, और अभी ये बाबू भी नहीं दे रहा, बाबू इधर दे दे, आजा बाबू इधर आना यार, ओ छोटे, और इसके ऊपर भी दो दो पतंग रखी हैं जो कट के आई थी, ये देखो गाइस एक और आ गई कट के, और इसको मैं यहीं पकड़ लेता हूँ, टूट के आई है ये तो, कल देऊंगा मैं, कल सारी कल देऊंगा, जाओ गाइस जी देखो एक और कट के आई है, और एक बाबू, देख बाबू इधर, इधर आ जा, एक और ले ले, ले 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 ले, ले बाबू ये दे दे मेरे को, ले ये भी दे, हाँ दोनों दे दे, अब नहीं दूंगा मैं तेरे को, तू भी भाग गया था ना, भागा था ना बीच में, लेके भागा था ना इसको, अब मैं नहीं दूंगा कोई भी तेरे को। सो गाइस अभी शाम के 5 बज चुके हैं, और ये देखो यहाँ पे हम टप भर रहे हैं, और यहाँ पे सारा सारे बर्तन निकाले हैं, अभी खाना पीना बनाएंगे कल। नील भैया इसको देखो क्या हालत है इसकी, और अभी थोड़ी देर में हम सबकी ऐसी हालत होने वाली है, और ये सारे बर्तन धोने हैं, इसमें डाल इसमें, हाँ
गाइस फाइनली बर्तन धो दिए और ये देखो यहाँ पे कीचड़ कीचड़ हो गया और ये यहाँ पे टेंट लगा है और वो एक ही बस फूलों की एक ही माला लगाई है उन्होंने सीधी, तो वो भी ठीक है सिंपल है एकदम। स्कैन को रख देते हैं इसके अंदर। ओ गाइज रात के भी 12 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ किसी को लेने। सो यहाँ से बाईपास पे जाना है मुझे, बाईपास यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से। नाइट में यहीं पे रुके हम, तो सुबह यहाँ से उठ के फिर घर पे जाके नहाई धोई करके फिर वापस से यहीं पे आ जाएंगे, क्योंकि कल 11 बजे से प्रोग्राम है तो सुबह ही तैयारी करनी पड़ेगी सारी। अभी 1 बज चुका है तो 5-6 घंटे और हैं सुबह, तो अभी चलते हैं गणेश जो हमारा फ्रेंड आ रहा है उसको लेने जा रहे हैं। गेट को कर देते हैं अभी बंद। कितने बजे आएगी वो? बस 2 बजे का बोल रहे हैं। 2 बजे अभी तो सवा एक हो गए हैं, तो सवा एक पहुंचेंगे ना, तो हाईवे पे टाइम लग ही जाएगा। कितना किलोमीटर होगा? 3-4 किलोमीटर है, तो अभी चलते हैं। गाइज होपफुली ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।